हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाई आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपकी गाड़ी के गियर डब्बी आपको फिट करनी हो तो आपने उसके लिए क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा भाई, गियर डब्बी फिट करने के लिए। तो गियर डब्बी कैसे फिट की जाती है, कौन से गियर में लगाकर फिट की जाती है, तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें। अभी कुछ भी पूछना हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ जाएं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज, उससे भी जुड़ जाए भाई। तो हम बात करते हैं गियर डब्बी को फिट करने का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है। तो दोस्तों, पहले तो हम बता देते हैं, गाड़ी BS4 गाड़ी है, जो कि एपे BS4 गाड़ी है। और जो ये तरीका है भाई, BS3 और BS4 एपे और अल्फाइन दोनों गाड़ियों में सिंपल तरीका, सेम तरीका, कोई भी अलग प्रोसीजर नहीं है भाई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने किल्ली के नट को चेक करना भी अच्छे तरीके से टाइट है या लूज है, क्योंकि ये टाइट ही नट होगा तो भी हमारी गेट भी काम करेगी। और मिस्त्री इसको बाहर निकालना चाहिए हमें किल्ली को, न्यूट्रल में, टॉप में मतलब चौथे गियर में। तो भाई किल्ली को हम चौथे गियर में करेंगे। पहले तो एक बार मिस्त्री जी करके दिखाओ। कर दी मतलब ये बात कहाँ पर होनी चाहिए, ये चौथे गियर में। और गियर डब्बी को हम कैसे रखेंगे, टॉप में, चौथे गियर में गियर डब्बी को रखेंगे। तो भाई देखो, ये चौथे गियर में गाड़ी है और गियर डब्बी यहाँ पर, गियर डब्बी न्यूट्रल होती है भाई यहाँ पर, और इसको हम चौथे गियर में कर लेंगे। और आपने पैकिंग का जरूर ध्यान रखना भाई, पैकिंग लगी होनी चाहिए, नहीं तो लीकेज की प्रॉब्लम हो जाएगी। और राजीव बोन लगा करके देखो, अभी इस तरीके से लगाना है गियर डब्बी को। चलो इसके अंदर आपने ऐसे सेट करना भाई देखो, और एकदम से इसको फिट कर देना। ऊपर से आपकी गियर डब्बी न्यूट्रल पर आ जाएगी, न्यूट्रल पर है और साथ में आपने एक बार नट लगा देना भाई। किल्ली को आपने चौथे गियर पे करना और गियर डब्बी को भी आपने चौथे गियर पर करना, और बाहर की तरफ इसमें डॉग में फिट करके एकदम से इसको झटका देके फिट कर देना, ये ऑटोमेटिक से न्यूट्रल पर आ जाएगी। अगर आपकी गाड़ी की गियर डब्बी न्यूट्रल पर आ जाती है तो आपकी गियर डब्बी सही सेट का काम करेगी। और इसको हम दिखाएंगे भी कैसे काम करेगी कैसे नहीं। और ये हमारे 6 KL के बोल्ट होते हैं, सॉरी ये 5 KL के बोल्ट होते हैं। तो आप जब भी गियर डब्बी खोले भी इन नटों को चेंज करते रहना भाई, क्योंकि ये नट इनके खाचे कट जाते हैं तो ये खोलने में दिक्कत आती है, इसलिए आपको इन नटों को जरूर चेंज करना होगा। हर बार नई ही बोल्ट यूज करें। और जब भी आप गियर डब्बी लेंगे भाई, अच्छी कंपनी गियर डब्बी लेना, क्योंकि अच्छी कंपनी गियर डब्बी लंबे समय तक चलेगी। लोकल कंपनी की गियर डब्बियाँ अच्छे समय तक नहीं चलती, जिससे हमें गियर एकदम से गियर लगने की प्रॉब्लम, गियर में झटके की प्रॉब्लम, और अच्छे से न्यूट्रल नहीं होना, ये प्रॉब्लम आती है भाई। और जो ये प्रोसीजर है भाई, BS3 और BS4 ऑटो में कंप्लीट दोनों में सेम तरीका है, और कोई सी भी कंपनी गाड़ी हो भाई, अल्फा हो, एप्पे हो, इन दोनों गाड़ियों में सेम प्रोसीजर होता है। और इन 5 KL के नटों को आप अच्छे तरीके से टाइट करेंगे भाई। कुछ भी पूछना हो भाई, मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ, 89 50 65 37 29, इस पर आपको व्हाट्सअप नंबर भी है और आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए होगी भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सोल्यूशन किया जाए, कोई पैसा नहीं लिया जाता भी किसी चीज का। बरिन को अच्छे तरीके से टाइट करने के बाद ही आपको बताएंगे कि आगे आप प्रोसीजर कैसे चेक करना होता, कैसे ना। साथ में टायर घुमाते रहे और गियर लगाते रहे। कैमे गियर में या न्यूट्रल है, यहाँ पे पहिया फ्री घूम रहा है, गियर लगा पहला, चल न्यूट्रल है, दूसरा लगा, तीसरा चौथा, टॉप गियर हुए तो न्यूट्रल कर दे। तो दोस्तों, आपने फिट करने के बाद इस तरीके से पहिया घुमाना और साथ में गियर डब्बी से आप गियर लगाते रहे ना भाई, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी के गियर सही लग रहे हैं नहीं लग रहे। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, कि जो कि कमी थी उसी कमी के लिए वीडियो बनाई, ज़्यादा बड़ी लंबी वीडियो नहीं करते भाई हम। इसमें गियर डब्बी सेट करने का पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है, आप घर बैठे भी इस तरीके से आपकी गाड़ी की गियर डब्बी चेंज कर सकते हैं।
तो ऐसी ऑटो लाइन की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को दबा के शेयर करें, भाई सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंटेंट लेकर।